आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना। कई लोग राम 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 राम, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हनुमान का मंत्र, पद्मावती का, मणिभद्र का, गणपति का विभिन्न मंत्र करते ही रह जाते हैं, लेकिन कभी किसी मंत्र का कोई फल मिला ऐसे लगता नहीं है। आज हम जानेंगे कि कहां दोष हो रहा है जिससे हम अपने जप का लाभ नहीं ले पाते। आजकल तो हम किताबों से, विभिन्न माध्यमों से भी ये कर लो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो वैसा हो जाएगा, ये सब देख के बहुत सारा करने लगते हैं, लेकिन कहां तकलीफ आती है ये जाने बगैर कभी जिंदगी में सफलता नहीं आएगी। सबसे पहले जप करने वालों के लिए तीन चीज बताई गई है जो निश्चित सिद्धि से आदमी को दूर रखती है, कभी जीवन में सिद्धि नहीं मिलती, देव कृपा नहीं मिलती। वो तीन चीजें हैं, जप करने वाला शीघ्री गीती और सिरकंपी नहीं होना चाहिए। शीघ्री यानी जिस अक्षर को जितने समय में बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो अगर वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शीघ्र यानी शीघ्र शीघ्र बोलना। बहुत लोगों को ऐसे लगे कि घंटे भर में 500 माला जप लूं, 200 माला जप लूं। बहुत ज्यादा एक्सप्रेस में गाड़ी को चलाओगे तो एक्सीडेंट ही होगा और कुछ नहीं होगा। शीघ्र का अर्थ है जल्दी जल्दी बोलना, नमो हेता नमो दा नमो नमो जा नमो ले सब जान नमो शिवाय नमो शिवाय नमो नमो राम 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 राम, ऐसे कुछ करते रहे। जिस शब्द को जितने समय में बोलना, अब एक मात्रा में चलता है, आ दो मात्रा में चलता है, तो उसी मात्रा कण समय के हिसाब से चलाएं तो ही सिद्धि मिलेगी। बहुत ज्यादा जाप कर लूंगा तो बहुत सिद्धि मिलेगी, ऐसे जल्दी जल्दी करें, या तो पागल हो या घर में संकट आ जाए या कोई ना कोई परेशानी आ जाए। अगर वस्तु को गलत करेंगे तो शुभ परिणाम नहीं दुष्परिणाम ही आएगा, ध्यान रखना है। दूसरा गीति, पहले शीघ्र, दूसरा गीति। गीति यानी मंत्रों को गीत की तरह गाने वाला, ओम भैरवाय नमः। अगर ये मंत्र है ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ऐसा गीत गाने लगेगा तो उसमें भी दुख आएगा। मंत्रों को राग से बोलना नहीं चाहिए, सटीक जिस चंद का मंत्र है, गायत्री चंद, अनुष्टुप चंद, त्रिष्टुप चंद, उसी मंत्र को उसी चंद में एक मीटर में या कम से कम सीधा सटीक बोल दें वो अच्छा है। तीसरा सिरा कंपी, ज्यादातर आप जाप करने वालों को देखो तो उनको देखो तो वो तो ऐसे 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 सिरा कंपी यानी सिर को हिलाने लगते हैं, शरीर को हिलाने लगते हैं जब भी जाप करते हो। रीढ़ की हड्डी सीधी हो और बिल्कुल सही सटीक ढंग से जाप करें तो ही सिद्धि मिलना है। सिर शरीर को हिला हिला के जाप करें। शीघ्र जल्दी जल्दी बोलने वाला, गीति मंत्र को गीत जैसे गाने वाला, सिरकंपी मंत्र जाप के समय सिर हिलाने वाला, इन तीनों को कभी सिद्धि मिलना नहीं है सटीक से। और ये जो उच्चारण करते हैं इसमें दो दोष होता ही है, एक दुरित दोष जल्दी जल्दी बोलना वो शीघ्र, एक विलंब दोष जिसको समय बहुत है कोई काम नहीं है तो वो धीरे धीरे करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो अरिहंताणम, इस प्रकार से करें, ये विलंब दोष। मंत्र को जितने समय में बोलना उससे ज्यादा लंबा खींच के बोले वो भी एक दोष है। आजकल जैनों में घर घर में नमो अरिहंतानम, नमो चेदानम, नमो आयर्यानम, ऐसा एक जाप शुरू हो गया, कई समय से ये घर घर में चल रहा है। नमोकार मंत्र है और मंत्र को गीत की तरह गा गा के बोलने से कभी किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा, उल्टा हानि होगा। मंत्र को सीधा सटीक बोलना चाहिए। और विलंब दोष, दुरित दोष यानी धीरे धीरे बोलने, शीघ्र शीघ्र बोलने से बच के सही ढंग से बोलना चाहिए। मंत्र को मन में बोलना चाहिए, मननात त्रायते इति मंत्र, जो मन में बोलने से, मनन करने से हमारी रक्षा करता है, इसीलिए उसको मंत्र बोलते हैं। म और त्र यानी मनन करने से त्राण करें वो मंत्र है, इसीलिए मंत्र को मन में बोले तो 100% लाभ है। अगर सिर्फ होठ हिले लेकिन आवाज बाहर नहीं निकले तो इसको उपांशु जाप बोलते हैं। उपांशु जाप यानी होठ तो हिलता हो लेकिन आवाज बाहर नहीं आने, इससे 60% लाभ मिलता है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने से 10% लाभ मिलता है।
होठ भी बंद हो, मन भी एकाग्र हो, आंख भी बंद हो, बिल्कुल निश्चल अवस्था में जाप करें तो बहुत ही लाभ मिलता है। इसको मानसिक जाप बोलते हैं। होठ हिले, आवाज नहीं आए, इसको उपांशु जाप बोलते हैं। 60% लाभ मिलेगा। होठ भी हिले, जोर जोर से चिल्लावे तो 10% लाभ मिलेगा। होठ भी हिले और शरीर भी हिले और मन भी हिले और पूरा घर हिले तो फिर तो समझना के माइनस में जा रही है गाड़ी। इसका ध्यान रखना जरूरी है कि जाप करते समय हम एकाग्र हों, सही उच्चारण के साथ सही ढंग से जाप करें। सबसे बड़ी बात है, आजकल तो कई माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, कहीं कहीं से देख के, किताबों से देख के भी लोग जाप करने लगते हैं। आपने घर में जो बल्ब जलता है उसको देखा होगा, ये कोई ना कोई ईबी ऑफिस से ट्रांसफार्मर तक कनेक्शन आया होगा, ट्रांसफार्मर से आपके घर के मेन स्विच तक कनेक्शन आया होगा, मेन स्विच से आपके कमरे के होल्डर तक कनेक्शन आया होगा, उस कनेक्शन से वो बल्ब जलता है। तो परमात्मा को ईबी ऑफिस का मेन जगह समझो तो ऋषि मुनियों को ट्रांसफार्मर समझोगे तो गुरु को मेन स्विच समझोगे तो आप वो होल्डर हो जहां से रोशनी आती है। ऐसे संत जिन्होंने मंत्र को सिद्ध किया हो और निष्प्रुही हो, ब्रह्मचारी हो पूर्ण रूप से और किसी से एक रुपया मांगने वाले नहीं हो अपने लिए कि मुझे कपड़ा चाहिए न साबुन चाहिए न मुझे वो चाहिए न, पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्ण त्यागी, पूर्ण रूप से परंपरा से, गुरु परंपरा से मंत्र लिए हुए हो और ईश्वर से प्राप्त मंत्र ऋषि मुनियों के द्वारा आके इन तक पहुंचा हो, वो सिद्ध मंत्र का जाप करो तो तुरंत देव कृपा, इष्ट साधना की कृपा और मनोवांछित फल तुरंत मिलेगा। किताबों को देख के, कोई भी मीडिया यूट्यूब में देख के ऐसे कर लो वैसे हो जाएगा, ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, अंधा किसी अंधे को कभी भी रास्ता नहीं दिखा सकता। आंख दिखने वाला व्यक्ति ही दूसरे को हाथ पकड़ के रास्ता दिखा सकता है। एक त्यागी पुरुष, एक ब्रह्मचारी संत पुरुष ही हाथ पकड़ के मंत्र साधना की सिद्धि दिलवा सकता है। इसलिए मंत्र कभी भी लेना हो तो त्यागी पुरुषों से, संत ब्रह्मचारी पुरुषों से मंत्र लें। उनके ब्रह्मचर्य की ऊर्जा, वीर्य रक्षा की ऊर्जा उस मंत्र में भरी होती है, तभी वो मंत्र विस्फुटित होकर के सिद्धि देता है। किताबों को देख के, गली गुच्चे में जाके, यूट्यूब फेसबुक को देख के जो जाप करता है समय भी नष्ट करता है, जिंदगी में कभी कोई प्रकार का लाभ नहीं ले पाएगा। एक अंधा दूसरे अंधे को कभी रास्ता नहीं दिखा पाएगा, खुद ही अंधा है वो क्या रास्ता दिखाएगा। तीसरी बात, जब कोई माला फेरते हो, माला से जाप करते हो तो ध्यान रखना कि हर मणि के बीच में गांठ होना जरूरी है। अगर मणि के बीच में ऐसे गांठ नहीं है, दो मणि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो इसमें जपा हुआ मंत्र उसमें संक्रमित होके सिद्धि से वो सदा विनाशकारी बन जाएगा, इसलिए उसमें लाभ नहीं होगा। मणियों के बीच में गांठ हो ऐसी माला लें और जब भी माला को पकड़े मध्यमा से पकड़ना चाहिए। माला को जब पकड़े मध्यमा से पकड़ के घुमाना। ये माला तो मैं आपको बताने के लिए रखा हूं, बाकी जब भी आप माला फेरो तो ऐसा एक गोमुखी लेनी चाहिए, यानी एक थैली जिसमें हाथ डाल के अपनी माला का जाप करना चाहिए। क्योंकि माला को आप बाहर दिखा रहे हो लोगों को और जाप कर रहे हो, उसमें से निकलने वाली ऊर्जा में 30% ऊर्जा इस माला को देखने वाले लोग ले जाएंगे, सिद्धि आदि उनको चले जाएगी, आपको कभी पूर्ण सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसी माला में, मेरा जप माला तो इसमें है, मैं तो खाली दिखाने आपको एक नई माला लेके ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे बैठ के ऐसे जाप करें और ध्यान रखें कि जप को मध्यमा उंगली से ऐसे रख के एक एक अंगूठे से सरकाएं और कोई भी उंगली उसमें स्पर्श न करें जप के समय में। इसको अंकुश मुद्रा भी बोलते हैं। अंकुश यानी हाथी को भी माउथ जिससे वश में करता है, ऐसे पकड़ो तो अपने आप अंकुश मुद्रा बनती है जिससे देवता अपने वश में होते हैं। इसलिए अंकुश मुद्रा से जाप करना। और जब आप जाप कर रहे हैं, यहां तक पहुंच गए हैं तो इस बात को मेरु बोलते हैं, इसको उल्लंघन करके आगे नहीं बढ़ना। कभी भी यहां पहुंच गए हो तो वापस ऐसे घूम के रिटर्न आके आप ऐसे घुमा सकते हो। कभी भी यहां तक पहुंच गए, आप यहां तक पहुंच गए हो
तो ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कभी ऐसे कई लोग ऐसे जाप करते रहते जिंदगी भर, इस मेरु का उल्लंघन करने मात्र से महापाप लगता है, महादोष लगता है। यहां तक जाप किया, रिटर्न जाके वापस यही जाप करना और ऐसे ही घूमते रहना, इसी से लाभ होगा वरना हानि होती है। मूंगे की माला देवियों के लिए, भैरव के लिए, सबके लिए अच्छा है। रुद्राक्ष माला शिव के लिए, भैरव के लिए बहुत अच्छा है। अन्य स्फटिक माला वगैरह किसी के लिए भी अच्छा है, सरस्वती के लिए बहुत अच्छा है। पीली माला लक्ष्मी के लिए, गुरु के लिए अच्छा है। आप अपनी एक माला को लेके पंचामृत से दूध दही घी गोमूत्र और गोबर, पंचामृत को इकट्ठा करके एक थाली में 8 पीपल के पत्ते को कमल की फूल की तरह 8 पत्ते को सजा दें, उस पर माला को रखें, फिर ये पंचामृत डाल के माला को धो दें, फिर पानी से धो के धूप में दिखा दें तो माला पहले शुद्ध हो जाता है। फिर इस माला पर आप अपने इष्ट देवताओं को नमन करके जाप शुरू कर सकते हैं। माला कभी किसी को दिखानी नहीं चाहिए। और माला में आप जाप नहीं करते हो तो आप उंगलियों से भी कर सकते हो। उंगलियों में विभिन्न प्रकार से ऐसे आवर्त ध्यान जाप होता है, नंद्यावर्त जाप होता है, शंख जाप होता है, कई प्रकार के जाप होते हैं। आपको जिस प्रकार जाप करना कर सकते हैं। मननात त्रायते इति मंत्र, मन से बोलने से जिसका लाभ होता है वो मंत्र है। तो शास्त्र कहता है कि जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। जप करने से निश्चित सिद्धि मिलता है, जप करने से निश्चित सिद्धि मिलता है, जप करने से निश्चित सिद्धि मिलता है, संशय नहीं है। इसीलिए आप अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने, अपने इष्ट के, अपने आराध्य के, अपने उपास्य का जप करते हुए, भक्ति करते हुए जीवन को सफल बनाए, यही मंगल कामना करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।